दोस्तों, बलूचिस्तान जिसकी मिट्टी भी सोना है, जहां खजाने ही खजाने हैं, ये रकबे में कितना बड़ा है, आज हम यही जानेंगे। ये बांग्लादेश है, वही बांग्लादेश जिसका हर शहर, हर गांव और हर एक गली कभी पाकिस्तान का हिस्सा थी। बांग्लादेश का नक्शा देखें तो मालूम होता है कि ये रकबे में एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि आधी से ज्यादा दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जो रकबे में बांग्लादेश से भी छोटे हैं। क्या बांग्लादेश बलूचिस्तान से भी बड़ा है? तो इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि बलूचिस्तान और बांग्लादेश के रकबे का आपस में कोई मुकाबला नहीं। बांग्लादेश जिसके दो मुल्क हों तो भी रकबे में बलूचिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। बलूचिस्तान तब भी बांग्लादेश से बड़ा होगा। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के 43% रकबे पर फैला हुआ है, ये आखिर कितना बड़ा है? तो इसको समझाने के लिए ये मुल्क देखें। ये सिंगापुर है, वही मुल्क जहाँ के लोग कभी गजाई किल्लत का शिकार रहा करते थे, जहाँ लोगों के घरों में टॉयलेट तक नहीं थे, जहाँ जिंदगी गुजारना किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। मगर आज सिंगापुर दुनिया के कामयाब तरीन मुल्कों में से एक है। रकबे में ये इतना छोटा है कि सिंगापुर जितने चार मुल्क हों तो वो आसानी से बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में समा सकते हैं, और इसके बाद भी क्वेटा में काफी जगह खाली होगी। लेकिन इतना छोटा सा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान आज सिंगापुर से बहुत पीछे है। आज के दिन तक एक सिंगापुर डॉलर पाकिस्तान के 217 रुपए के बराबर है। बस अब यहाँ से आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, दिल को बस यही कहकर तसल्ली दी जा सकती है कि सिंगापुर जितने 476 मुल्क हों तब जाकर एक बलूचिस्तान बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बलूचिस्तान सिंगापुर जितने 450 मुल्कों के बराबर है। लेकिन वहाँ के लोग फिर भी आज हमसे आगे हैं। कड़वा ही सही लेकिन सच यही है। ये यूनान है, वो मुल्क जिसके समुद्र से जुड़ी ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने सैकड़ों तारकीन वतन की जान ले ली। कश्ती सैकड़ों तारकीन वतन समेत यूनान के समुद्र में डूब गई। वो लोग जो पाकिस्तान से समुद्र में आकर डूबते हैं, वो खजानों से भरे बलूचिस्तान के रास्ते ही यूनान तक पहुँचते हैं। यूनान के कैपिटल सिटी एथेंस को ले लें तो इसका रकबा सिर्फ 38.96 किलोमीटर है, और अगर यूनान के तमाम ही शहरों के रकबे को जमा कर लिया जाए तो यूनान का रकबा 131,957 मुरबा किलोमीटर बनता है। इस लिहाज से यूनान जैसा मुल्क भी बलूचिस्तान से छोटा है, इतना छोटा कि यूनान जितना एक और मुल्क भी यूनान का हिस्सा बन जाए तो भी ये बलूचिस्तान के रकबे से छोटा हो। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो न्यूजीलैंड में जाकर बस जाना चाहते हैं और वहाँ के हसीन इलाकों में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये बात आपकी मालूमात में इजाफा करेगी कि न्यूजीलैंड जैसा खूबसूरत मुल्क भी बलूचिस्तान से छोटा है। यही नहीं, अगर हम न्यूजीलैंड से 19,690 किलोमीटर दूर यूरोपियन मुल्क पुर्तगाल की बात करें तो बलूचिस्तान पुर्तगाल से भी बड़ा है। पुर्तगाल जितने तीन मुल्क हों और आयरलैंड जितना एक मुल्क हो तब जाकर ये बलूचिस्तान जितना रकबा बनता है। आखिर बलूचिस्तान का रकबा है कितना? इसको कुछ यूँ समझ लें कि जर्मनी जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर जर्मनी के आखिरी इलाके आते हैं, हमारे मुल्क के सूबे बलूचिस्तान का रकबा इतना है, यानी बलूचिस्तान तकरीबन मुल्क जर्मनी के जितना है। 2022 में जहाँ फुटबॉल का मेला सजा, उस मुल्क कतर को ही ले लें, ये भी हमारे सूबे बलूचिस्तान से छोटा, बल्कि बहुत छोटा है। कतर जितने 30 मुल्क बलूचिस्तान में आसानी से समा सकते हैं। कतर ने अपने मुल्क में पाए जाने वाले खजाने निकाल कर अपनी अवाम की और अपने मुल्क की हालत बदली।